हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बजट 2024 से इनकम टैक्स में 148, 148A एंड 149 में मेजर चेंजेस आए हैं, और ये सारे जो सेक्शन है ये है इनकम एस्केपमेंट से रिलेटेड। जो 148 है वो ये बात करता है कि जब इनकम एस्केप हो जाती है तो उसका असेसमेंट, री असेसमेंट कैसे होना है, प्रोसीजर बताता है 148A एंड 149 टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस की बात करता है। इसमें मेजर चेंजेस लाए हैं और सिंप्लीफिकेशन लेकर आए हैं। तो क्या सिंप्लीफिकेशन आया है और अब कब 148 डायरेक्टली इशू हो जाएगा, 148A नहीं आएगा, ये हम सब देखेंगे इस वीडियो में। एंड ये सारे जो चेंजेस हैं ये 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल है। तो 31 अगस्त तक अगर आपको कोई नोटिस रिसीव हो चुका है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 तो ठीक है, क्योंकि इसके बाद से अब इस ईयर का असेसमेंट नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम 148 को देखेंगे, क्योंकि 148 एंड 148 अब चेंज हो चुका है। 148 में सबसेक्शन 1 है, 2 है और 3 है। 148 बात करता है इश्यू ऑफ नोटिस वेयर इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। जब कोई इनकम एस्केप हो जाती है, छूट जाती है असेसमेंट से, उसके लिए नोटिस इशू करने का जो सेक्शन है वो है 148। 148 में क्या होता है, बिफोर मेकिंग द असेसमेंट, री असेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147। 147 के तहत ये असेसमेंट की बात कर रहे हैं। 148 क्या है, ये है नोटिस। 147 के तहत जो असेसमेंट होना है उसका जो नोटिस इशू होता है वो 148 में होता है। द असेसिंग ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 148A इशू अ नोटिस टू द असेसी अलोंग विद अ कॉपी ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 148A। सबसे पहले होता है 148A। 148A में प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में आपसे पहले प्राइमरी फेस पूछा जाता है कि हम आपकी कुछ इनकम है जो कि एस्केप हो चुकी है फ्रॉम असेसमेंट, तो हम असेसमेंट क्यों नहीं करें, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब उस नोटिस के तहत आप जो जवाब देते हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं होता असेसिंग ऑफिसर, तो वो ऑर्डर पास करता है 148A का, और ऑर्डर के साथ ही साथ वो 148 का नोटिस भी इशू कर देता है। तो क्या है, यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्डर पास अंडर सेक्शन, अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 148A, उसी के साथ कौन सा नोटिस इशू होता है 148 का, रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश विद इन सच पीरियड एज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच नोटिस इज इशूड। कौन से सच नोटिस की बात कर रहे हैं, 148 नोटिस की बात कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ इज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ही इज असेसिबल अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग टू द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये सबसेक्शन 1 में हम ये बात कर रहे हैं कि 148A का ऑर्डर पास हो चुका है एंड 148 का नोटिस इशू हो गया। तो जिस महीने में इशू होता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, या जो भी नोटिस में टाइम पीरियड मेंशन्ड है, 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने का टाइम बताया गया, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच नोटिस इज इशूड। सच मतलब 148 का नोटिस इशू होता है तब आपको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न किस सेक्शन के तहत, 148 सेक्शन के तहत रिटर्न फाइल करना रहता है 3 महीने के अंदर अंदर। प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी इशूड अनलेस देर इज एन इंफॉर्मेशन विद असेसिंग ऑफिसर विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट इन द केस ऑफ द असेसी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि असेसिंग ऑफिसर के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि सजेस्ट करे दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि सजेशन कैसे होता है। आगे एक और प्रोविजो है सबसेक्शन 1 में ही, प्रोविजो फर्दर दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेदर असेसिंग ऑफिसर हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अंडर 135A। ये चीज नई ऐड हुई है बजट 2024 से। 135A है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब आपको नोटिस रिसीव होता है 135A का, तो उसका आपको ध्यान से जवाब देना है SFT ट्रांजैक्शन का, क्योंकि अगर आपने ध्यान से जवाब नहीं दिया तो डायरेक्टली अब 148 इशू हो जाएगा। इससे पहले तक मतलब 31 अगस्त तक क्या था,
आपको 148A पहले इशू होता था, उसके बाद उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था एओ को, तो वो 148 डिटेल असेसमेंट निकालता था। बट अब क्या है, फ्रॉम 1 सितंबर 2024 अगर आपने एसएफटी ट्रांजैक्शन का सही से जवाब नहीं दिया तो डायरेक्टली 148 इशू हो जाएगा, नोटिस इशू हो जाएगा 148 के तहत। अब 148A खत्म हो चुका है फॉर 135A सेक्शन, तो ये प्रोविजन नया ऐड हुआ है अभी बजट 2024 से। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 135A, नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी इशूड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। तो आपको स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो एओ है वो नोटिस इशू करेगा बट प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। ये था सबसेक्शन वन। सबसेक्शन वन हमारी रिटर्न फाइलिंग की बात करता है कि आपको रिटर्न 148 के तहत कब फाइल करना है। उसके बाद उस प्रोविजन में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि सजेशन एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एओ के पास जो कि सजेस्ट करे दैट इनकम हैज एस्केप असेसमेंट, सेकंड पॉइंट। थर्ड ये है कि अब 135A की कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो उसके तहत 148 AO इशू कर सकता है। अब हम सबसेक्शन टू देखते हैं 148 का। द रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन वन शैल बी फर्निश्ड इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एंड सेटिंग फोर्थ सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली एज इफ सच रिटर्न वर अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139। तो आप इस सेक्शन 148 के तहत जो भी रिटर्न फाइल करेंगे वो मानी ऐसी जाएगी कि 139 सेक्शन की रिटर्न फाइल हुई है। बट अगर आप जो टाइम पीरियड नोटिस में मेंशन है 3 महीने मेंशन है, 3 महीने के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो फिर वो 139 सेक्शन के तहत नहीं मानी जाएगी। तो 139 के बाहर अगर हो गई तो 234A का इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एनी रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन वन फर्निश आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस, नोटिस कौन से 148 के तहत, अंडर द सब सेट सबसेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिटर्न अंडर सेक्शन 139। तो ये माना जाएगा कि 139 के तहत नहीं थी और आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, कौन सा 234A वाला। ये था सबसेक्शन टू। सबसेक्शन टू ये बोलता है कि आपको टाइमली रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करोगे तो ये माना जाएगा कि वो रिटर्न 139 के तहत फाइल हुई है, और अगर आप आफ्टर द एक्सपायरी करोगे तो वो ये माना जाएगा कि 139 सेक्शन के तहत फाइल नहीं हुई है और इंटरेस्ट लगेगा। अब हम सबसेक्शन थ्री देखते हैं 148 का। ये क्या है, ये बताता है कि जो हमने सबसेक्शन वन में देखा कि एओ के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो सजेस्ट करे कि इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, तो वो क्या है, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट विल सजेस्ट एओ दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो यही सबसेक्शन थ्री बोलता है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले यहाँ पर सिर्फ 5 तक थे, 6 अभी ऐड करा गया है। फर्स्ट है एनी इन इंफॉर्मेशन इन इन द केस ऑफ असेसी फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ओके पास जो कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी द्वारा फॉल करती है, तो इस वजह से आपका जो केस है वो 148 के तहत सिलेक्ट हुआ है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, बोर्ड बनाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट द असेसमेंट इन द केस ऑफ द असेसी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, यहाँ पर क्या है ऑडिट ऑब्जेक्शन की बात करते हैं। अब इससे पहले जो लॉ था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट द असेसमेंट इन द केस ऑफ असेसी फॉर द रेलेवेंट, ये कब चेंज हुआ है, ये 2022 में चेंज हुआ है, 1 अप्रैल 2022 में चेंज हो गया, इससे पहले CNAG था यहाँ पर। अब क्या है ऑडिट ऑब्जेक्शन ही बोला है, ऑडिट ऑब्जेक्शन सिर्फ। तो एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट द असेसमेंट इन द केस ऑफ द असेसी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, तो डिपार्टमेंटल ऑडिट भी होते तो उस केस में भी केस रीओपन हो सकता है। ये है 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स चेंज। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 90 और 90A ऑफ द एक्ट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है जो कि सेक्शन 90 और 90A के तहत फॉल करता है उस एग्रीमेंट के तहत, तो उसके उस बेसिस पे भी एओ
आपका केस ओपन कर सकता है या असेसमेंट ओपन कर सकता है. एनी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द असेसिंग ऑफिसर अंडर द स्कीम नोटिफाइड अंडर 135A. 135A मैंने जैसा आपको बताया है, एसएफटी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये हर साल आते हैं, आपको इसका जवाब ध्यान से देना है. अगर आपने ध्यान से नहीं दिया है तो 148 इश्यू हो जाएगा. एनी इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर्स एक्शन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल और अ कोर्ट, मतलब कि ट्रिब्यूनल या कोर्ट पे कोई ऑर्डर पास किया है और उसमें कोई एडिशन हुआ है, उस बेसिस में भी एओ आपका केस रीओपन कर सकता है या असेसमेंट ओपन कर सकता है. एनी इंफॉर्मेशन इन द केस ऑफ अ नेसेसी इमिनेटिंग फ्रॉम सर्वे कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A अदर देन अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ द सेट सेक्शन और ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2024. तो सर्वे अगर हुआ है तो उसके तहत भी डायरेक्टली 148 इशू हो जाएगा. तो दिस वाज द प्रोविजन, सिंप्लीफाई कर दिया 148 को. ये डायरेक्टली हमारा इनकम एस्केपमेंट से रिलेटेड है. अब मैं 148A की बात करती हूँ. 148 क्या है? प्रोसीजर है जो कि 148, जो असेसमेंट की हम बात कर रहे थे 148 की, उससे पहले किया जाता है. ये एक छोटा सा प्रोसीजर है. प्राइमा फेसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है असेसी को कि आप बताइए कि हम आपका केस क्यों नहीं खोले अंडर इनकम एस्केपमेंट. इसमें क्या है? इसमें भी सबसेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. बहुत ही इजी कर दिया है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा. 148 है, वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप असेसमेंट इन द केस ऑफ एन असेसी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ही शैल बिफोर इशूइंग एनी नोटिस अंडर सेक्शन 148 प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड टू सच असेसी बाय सर्विंग अपॉन हिम अ नोटिस टू शो कॉज एज टू वाई अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 शुड नॉट बी इशूड इन हिज केस एंड सच नोटिस टू शो कॉज शैल बी अकम्पनीड बाय द इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट इन हिज केस फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. तो सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि असेसी के पास सबसे पहले तो एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट. बट उसको क्या करना है, असेसिंग ऑफिसर को, असेसी को अपॉर्चुनिटी देना है बाय इशूइंग अ शो कॉज कि हम आपका जो केस है वो क्यों नहीं 148 के तहत ओपन करें. और जब आप ये शो कॉज इशू कर रहे हैं तो अलोंग विद शो कॉज असेसिंग ऑफिसर को वो जो सजेस्ट इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट कि आपकी इनकम एस्केप हुई है उसको भी अटैच करना पड़ेगा. तो ध्यान रखें, आपको 148 का नोटिस आता है, 148A का नोटिस आता है या शो कॉज आता है तो उसके पीछे इंफॉर्मेशन सजेशन लगा होना चाहिए कि विच सजेस्ट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट. सबसेक्शन 2 कहता है जैसे ही आपको ये नोटिस रिसीव होता है सबसेक्शन 1 वाला, द असेसी में फर्निशेस रिप्लाई विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी नोटिस. जैसे ही आपको नोटिस रिसीव हो, आप विद इन दी टाइम पीरियड एज प्रोवाइडेड इन दी नोटिस आप अपना रिप्लाई जमा करते हैं. सबसेक्शन 3 कहता था असेसिंग ऑफिसर शैल ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द रिप्लाई ऑफ द असेसी, जो भी असेसिंग ऑफिसर के पास मटीरियल अवेलेबल है और साथ में जो रिप्लाई असेसी ने फर्निश किया है सबसेक्शन 2 में, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको अप्रूवल लेना है. इफ एनी पास एन ऑर्डर विद द अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 114. मटीरियल अवेलेबल, साथ में जो असेसी ने रिप्लाई दिया है, ये दोनों के तहत अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 148 ओपन करना है तो उसको एक ऑर्डर पास करना है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी. सबसेक्शन 4, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन द केस ऑफ एन असेसी वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अंडर स्कीम नोटिफाइड अंडर 135A. पहले 135A जो कि
इंफॉर्मेशन है जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है एसएफटी ट्रांजैक्शंस की या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की असेसिंग ऑफिसर के पास, वो 135A का नोटिस इशू करता है। पहले इस नोटिस के तहत या इस इंफॉर्मेशन के तहत भी 148 इशू होता था। पहले प्रोसीजर कंडक्ट होता था, फिर 148 का असेसमेंट स्टार्ट होता था। पर अब क्या है, अब बजट 2024 द्वारा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब 148 इशू नहीं होगा, अब डायरेक्टली 148 होगा, क्योंकि आपको पहले ही अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप ठीक से रिप्लाई सबमिट करें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की। अगर आप नहीं करते हैं तो डायरेक्टली 148 स्टार्ट हो जाएगा। अब स्पेसिफाइड अथॉरिटी क्या होंगे, तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो कि 151 सेक्शन में बताई गई है। तो ये तो था 148A, 148। अब है 149, जो कि टाइम लिमिट फॉर दी नोटिस की बात करते हैं। ये भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले 3 3 साल और 10 10 साल होता था, बट अब उनने 3 साल और 5 साल कर दिए हैं। कब कब है 3 साल, ये भी हम फटाफट देख लेते हैं। 149 के दो सेक्शन है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 जो है वो है 148 के तहत की बात करता है कि जो नोटिस 148 के इशू होने वो कब कब हो सकते हैं। तो दो है ईयर, एक है 3 इयर्स 3 मंथ्स और दूसरा है 5 इयर्स 3 मंथ्स। कब कब अप्लाई होगा, देखिए जो जो केस ऐसे हैं जिसमें असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है या एविडेंस है जो कि बताएं कि हाँ इनकम एस्केप हुई है इन टर्म्स ऑफ एनी एसेट और एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन और एंट्रीज। सबसे पहले तो असिस्टिंग ऑफिसर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि बताए कि हाँ इनकम एस्केप हुई है इन इन रिलेशन टू एनी एसेट और एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन। तो उस केस में जो इनकम एस्केप हुई है, अगर उसका अमाउंट 50 लाख एंड अबव है, तो उन केसेस के लिए 5 साल है लिमिट। 5 साल तक केस ओपन हो सकता है, बट 5 साल कब से, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर 50 लाख के नीचे है अमाउंट तो 3 3 इयर्स है, 3 इयर्स तक के केस ओपन हो सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये सिंपल है। वैसे हम 148A की बात करें तो उसमें भी 3 इयर्स है और 5 इयर्स है। 3 इयर्स कब है यहाँ, बट यहाँ 3 इयर्स 3 मंथ्स नहीं है, 148 में है 3 इयर्स 3 मंथ्स और 5 इयर्स 3 मंथ्स। 3 मंथ्स उनने ऐड करके रखे हैं, बट जब हम 148A की बात करते हैं, शो कॉज नोटिस जिसके तहत इश्यू होता है, तो उसमें 3 इयर्स और 5 इयर्स। अगेन इसमें भी सेम है कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यहाँ पर डॉक्यूमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एविडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल की बात कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है असेसिंग ऑफिसर के पास कि कोई इनकम एस्केप हुई है और वो जो इनकम है विच दैट अमाउंट्स टू 50 लाख और मोर, तो उन केसेस के लिए 5 इयर्स है, 5 इयर्स तक केस ओपन हो सकता है, 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो अगर मैं आज की बात करूं तो अपना मार्च 24 अभी खत्म हुआ है, तो मार्च 24, मार्च 23, मार्च 22, मार्च 21, मार्च 20, तो मार्च फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो है वो उसके 18-19 नहीं, फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो है, बस तब तक के केस, उसके बाद के केसेस ओपन हो सकते हैं, उसके पहले के केस ओपन नहीं हो सकते हैं अगर 50 लाख एंड अबव है इनकम विच हैज एस्केप असेसमेंट। अदरवाइज 3 इयर्स है, 3 इयर्स, इसमें भी 3 इयर्स है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। पहले इसी को बहुत टेक्निकल करा हुआ था, 3 इयर्स 10 मंथ्स था, बट अब बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। अब ये सारे जो चेंजेस है ये सब 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल होंगे, तो नए प्रकार के हैं चेंजेस। इसलिए आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बजट 2024 ने क्या सिंप्लीफाई किया है। इससे पहले जो थे 31 अगस्त तक के जो नोटिसेस हैं वो इशू हो चुके हैं, अब इसके बाद नहीं होंगे नोटिसेस इशू, दैट इज मोर देन 5 इयर्स के। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।